अभी ये भाई कैसी रखी हुई है भैया, आपको दिख रहा है ना, पर जब कैमरा ऊपर से दिखा रहा तो भाई साहब इसकी पोजीशन चेंज हो गई। नहीं मतलब ये तो ऐसी घड़ी है यार। अबे चूतिया ढक्कन में खड़ा होकर ढक्कन को निकाल रहा है, ऐसे तो वो ढक्कन कभी नहीं निकलेगा। वैसे इस सीन पे एक लाइन बन गई यार, ढक्कन को निकालने के लिए ढक्कन पर खड़ा है एक ढक्कन। वाह, कॉमेंट में बताना मेरी ये लाइन कैसी लगी आपको। हाँ ऐसे, अरे ढक्कन मेरा मतलब भाई तूने करके इतनी रामायण गाई, इसके बजाय तू ये कह देता ना कार नीचे खड़ी है तुम भाग जाओ मैं आ जाऊंगा। सच्ची कराऊं यार भाई मजा आ जाता। नहीं मतलब तुम आराम से घर पहुंच जाते यार, पर इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। चोपड़ा की कार की पोजीशन उधर है और टार्जन इसके जस्ट पीछे आई है और चोपड़ा इसकी कार से उतरा है और चोपड़ा का मुंह इधर है, तो चोपड़ा को टार्जन एकदम आराम से दिख जानी थी भाई साहब, एकदम आराम से, क्योंकि चोपड़ा का मुंह इधर है और आपकी तसल्ली के लिए ये सीन भी देख लो, और इधर ही कार खड़ी है, अगर कोई दारू में भी हो ना भाई साहब तो उसको भी आराम से दिख जाए ये टार्जन, पर इस चोपड़े को नहीं दिखती यार। ये गाड़ी चल रही है, अब यहाँ सामने रास्ता सीधा और गाड़ी चल भी रही है, पर भाई स्टीयरिंग तो उल्टा है, मतलब ये इधर मुड़ा हुआ है तो गाड़ी इधर मुड़ जानी चाहिए ना, पर गाड़ी सीधी चल रही है और स्टीयरिंग इधर मुड़ा हुआ है। टार्जन एक सुपर कार की कैटेगरी वाली कार है, मस्त चलती है भाई साहब और भागती भी मस्त है, पर मूवी वालों ने इतना सब कर दिया पर सुपर कार का हॉर्न नहीं लगाया। नहीं मतलब सुपर कार का हॉर्न लगाना ही भूल गए यार, वो सुपर कार का हॉर्न ऐसा होता है, पर टार्जन का साउंड सुनो, मतलब जो पहले के जमाने की सस्ती से सस्ती बस।